सुख समृद्धि विज्ञान चैनल के दर्शकों को सादर नमस्कार अभिनंदन। मित्रों, आज का विषय रखा गया है कि समस्याएं हैं तो उसका समाधान भी होगा, पर किसी भी समस्या को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि समस्या कभी भी छोटी नहीं होती, समस्या समस्या होती है। जो लोग पहली बार हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, वह लोग तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन अवश्य ऑन कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन ऑन हो जाए और जब भी हम अच्छी वीडियोस आपके लिए अपलोड करें तो तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आप तुरंत उस हमारे वीडियो को देख सकें। मित्रों, जीवन है तो समस्या है, समस्या है तो समाधान है। इस मृत्युलोक में जो भी पैदा हुआ, भले ही वो देव रहा हो या साक्षात भगवान क्यों न रहे हों, जो भी इस मृत्युलोक में जिसने जन्म लिया, जीवन जिया, तो उनके सामने समस्याएं आई हैं और आगे भी आती रहेंगी, परंतु उन समस्याओं से घबराना कतई उचित नहीं है। लेकिन समस्याओं को इग्नोर करना भी उचित नहीं है। अब वो समस्या किसी भी प्रकार की हो सकती है, आर्थिक समस्या हो सकती है, सामाजिक समस्या हो सकती है, शारीरिक समस्या हो सकती है ना, आध्यात्मिक समस्या हो सकती है, रिश्तों की समस्या हो सकती है, किसी भी प्रकार की समस्या हो सकती है। समस्या समस्या होती है, और यह कहा जाए कि कोई समस्या छोटी है या कोई समस्या बड़ी है, ऐसा नहीं है। जो समस्या जिस व्यक्ति के पास होती है, वह उसके लिए बड़ी होती है, क्योंकि जब वह समस्या पैदा होती है तो वह व्यक्ति अपने दैनिक कार्यों को, अपने रूटीन के कार्यों को सुचारूपूर्वक नहीं कर सकता, उसमें बाधा आती है और उसे कष्ट मिलता है। इसी प्रकार से समस्याएं पैदा करते हैं ग्रह और नक्षत्र। जब ये ग्रहों की समस्याएं होती हैं, इनकी क्रूर दृष्टि व्यक्ति के ऊपर पड़ती है, उससे जो समस्याओं का निर्माण होता है, वह समस्याएं व्यक्ति को विचलित कर देती हैं। मैं आपसे कहूं कि एक शारीरिक समस्या की बात लीजिए, मान लीजिए कि आपके शरीर में छोटी छोटी जो घमौरियाँ होती हैं वही हो जाएं, देखने में तो बिल्कुल जरा सी हैं, जिनका सुई की नोक के बराबर जिनका परिमाण है, ऐसी घमौरियाँ आपके शरीर में हो गई, लेकिन उससे क्या होता है कि आप चैन की नींद सो नहीं पाते, ढंग से लेट नहीं सकते, खुजलाएंगी, उनमें से पानी निकलेगा, बड़ी दिक्कत होती है। तो एक जब छोटी सी घमौरी तक आपको इतना परेशान कर डालती है कि आप ढंग से सो नहीं सकते, ढंग से बैठ नहीं सकते, तो और भी बड़ी तमाम समस्याएं होती हैं, उनसे कैसे निपटेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि चाहे आपके पैर में प्लास्टर क्यों ना बंधा हो, चाहे ऑपरेशन क्यों ना हुआ हो, और चाहे आपके शरीर में घमौरी ही क्यों न हुई हो, हर समस्या अपने आप में तीक्ष्ण होती है, बड़ी होती है, और जिसके जो समस्या होती है वह उससे आजिज आ जाता है, उससे परेशान हो जाता है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति का लड़का उसकी बात नहीं मान रहा है, तो सारे सुखों के होते हुए भी वह केवल एक अपने पुत्र के दुष्ट होने की वजह से ही इतना दुख पा रहा है या उसका परिवार पा रहा है कि उसको उससे बड़ी कोई समस्या समझ में नहीं आती। या मान लीजिए कि किसी की बेटी की शादी होनी है, वर नहीं तलाश कर पा रहा है, वर तलाश करने जाता है तो विवाह तय नहीं हो पा रहा है, इतना उसके पास पैसा नहीं है कि वो वर पक्ष को दे सके, तो उसके लिए वही सबसे बड़ी समस्या है। बाकी सब कुछ ठीक है उसके जीवन में, पर वो एक समस्या कभी कभी वो
5 या 10 साल तक उसका पीछा नहीं छोड़ती है और दिन रात वो व्यक्ति उसमें घुलता रहता है। इसी प्रकार से कोई साधक कोई साधना कर रहा है, अब उसके लिए तो केवल ये श्रेष्ठ श्रेयस्कर है कि वह साधना करके अमुक देवी देवता को प्रसन्न कर ले और उसकी कृपा से अपने जीवन को सुचारू रूप से उन्नत बनावे। लेकिन अगर वह कर रहा है और साधना में सफलता नहीं मिल रही है, उसके लिए वही सबसे बड़ी समस्या है और उस समस्या के चलते उसका जीवन नीरस बना रहता है, दुर्बल बना रहता है। जैसे किसी छात्र की सबसे बड़ी समस्या होती है कि वह उसके पेपर अच्छे नहीं हुए, उसके नंबर कैसे आएंगे, सबसे बड़ी समस्या। किसी छोटे बच्चे से पूछिए कि भाई आपकी विश क्या है, अगर भगवान आप पर प्रसन्न हो जाएं तो आप भगवान से क्या मांगोगे, तो बस उसकी एक ही इच्छा होती है कि भगवान मेरे नंबर अच्छे आ जाएं, मेरा पेपर अच्छा हो जाए, मैं पास हो जाऊं, उसकी यही इच्छा होती है, उसकी यही समस्या होती है। कोई नवयुवती है, उसकी सबसे बड़ी टेंशन होती है कि उसकी शादी नहीं हो रही है, भगवान अच्छा पति मिल जाए, अच्छा वर मिल जाए, मेरा जीवन ढंग से गुजर जाए, एक उसकी यही विश होती है। अब बूढ़े लोगों की क्या विश होती है, दादा दादी की, भाई मेरे पोते का विवाह हो जाए, मेरे एक और पड़नाती पैदा हो जाए। यानी कि जीवन समस्याओं का घर है, किसी के पास कमाने की समस्या, किसी के पास खर्च करने की समस्या, किसी के पास जो धन है उसको संभालने की समस्या। कोई भी व्यक्ति बिना समस्या के नहीं है। अब इसका सही समाधान ये है कि उस समस्या की जड़ को देखा जाए, समस्या की तह तक जाया जाए और उस समस्या को नष्ट करने का समुचित प्रबंध किया जाए, समय से किया जाए, तो वो समस्या अपने आप में हल हो जाती है और जीवन सुखी सही ढर्रे पर चल पड़ता है। लेकिन अगर उसमें जरा भी कोताही की जाए, मान लीजिए आपको 2 दिन बुखार आया, आपने कोताही कर दी और वो बन गया टाइफाइड, तो 1 महीने आपको परेशान रहना है फिर। इसलिए इनकी अवहेलना ना करें। आपको 4 दस्त लगे, आपने डॉक्टर को नहीं दिखाया, तो हो सकता है ये कॉलरा बन जाए, हैजा बन जाए, इसलिए उसको वहीं पर दबाइए। समस्या को और अपने शत्रु को कभी भी छोटा ना समझें, समस्या को और शत्रु को हमेशा खत्म करने का प्रयास करें, तभी वह जीवन में आप सफल होंगे। आपने इग्नोर किया और वो आपके ऊपर चढ़ बैठा, इसके बाद में फिर तो जैसे जो कुछ होता है होता ही है। आवश्यकता इस बात की है कि कैसे हम अपने जीवन को निर्बाध रूप से जी सकें और कैसे अपने जीवन को बिना किसी सूल के, बिना किसी कष्ट के, बिना किसी दर्द के जी सकें। उसके लिए अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको पूर्वाभास भी होगा, पूर्वानुमान भी होगा और आप बच सकेंगे इस प्रकार की परिस्थितियों से। और आध्यात्मिक क्षेत्र में तो ये जो ध्यान वगैरह करते हैं उनको सब पहले ही पता चल जाता है कि क्या होने वाला है और वो अपनी समस्या के लिए पहले से ही सन्नद्ध हो जाते हैं कि कैसे हम उस समस्या को ही आने से रोक लें। बहुधा देखा गया है कि वो समस्या उनके पास नहीं आ पाती हैं क्योंकि पहले से ही अवेयर होते हैं। तो मित्रों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। सुख समृद्धि विज्ञान चैनल के दर्शकों को